हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इससे पहले जो है आप लोग ऑफलाइन क्लास के जरिए मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज आपको इस ऑनलाइन क्लास के जरिए आज एक्सरसाइज 3.3 की ओर हम बढ़ेंगे और बताते चलेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 में हमें पढ़ना क्या है। तो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसे हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। तो अब अच्छा भाई समझ लीजिएगा, देखिए आव्यूह का परिवर्त हम किस तरीके से करेंगे, कैसे कहेंगे आव्यूह का परिवर्त क्या हो जाएगा, किस तरीके से हम लेकर के आएंगे भाई आव्यूह का परिवर्त। तो देखिए परिवर्त के लिए हम लोग क्या कहेंगे, जो आव्यूह हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग देखिए क्या करेंगे आकर के। देखिये हमने बताया था भाई आव्यूह में क्या चल रही थी, आपकी पंक्तियां चल रही थी और क्या चल रहे थे, स्तंभ यानी रो एंड कॉलम चल रहे थे। अच्छा देखिए परिवर्त के लिए, ट्रांसपोज के लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो बात हम ये समझ लेंगे आकर के भाई आव्यूह को हमने ए से प्रदर्शित किया था, अब अच्छा देखेंगे भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे आकर के, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए देखिए भाई हम लोग क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह को हम लोग ए डैश से प्रदर्शित कर लेंगे या फिर ए की पावर टी से, इस तरीके से जो हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स को प्रदर्शित करेंगे। अब देखेंगे भाई करेंगे क्या, देखिए वहां पर तुम्हें ये बताया जा रहा था, मान लिया कि कोई हमारा आव्यूह जो लिखा हुआ था ये था भाई हमारा ए वन वन, ये था ए वन टू, ये था बी वन वन और ये था बी वन टू। मान लिया कि हमारा ये लिखा हुआ था कोई आव्यूह, देखिए इसके परिवर्त का, इसका परिवर्त ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ये जो हमारी रो लिखी हुई थी, रो नंबर वन थी, ये थी रो नंबर टू, इधर देखेंगे आगे के कॉलम नंबर वन, ये था हमारा क्या कॉलम नंबर टू, पहला स्तंभ था, दूसरा स्तंभ था, पहली पंक्ति थी, दूसरी स्तंभ थी। परिवर्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लेकर आएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लेकर के आएंगे। अच्छा जब ये बात भाई हम समझ आएंगे कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरी स्तंभ में, तो जो स्तंभ होंगे वो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे हमारे किसमें, पंक्ति में आ जाएंगे। तो अच्छा अब देखेंगे आगे के भाई, जब पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल जाएंगे तो इस प्रकार बना आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाएगा, देखते हैं। देखिए भाई हमने देखे एक क्वेश्चन लिखा है एग्जाम्पल के लिए, मान लिया हमारा आव्यूह था ए, कोई आव्यूह दिया जा रहा था 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हमारा कोई आव्यूह था, हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना ए की पावर टी, या कहने आकर के क्या इसको ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए देखिए हम भाई क्या देंगे, 2, 3 किसमें थे हमारे रो में चल रहे थे, हमने इनको किसमें कर दिया कॉलम में कर दिया, 4, 5 किसमें चल रहे थे रो में चल रहे थे, हमने इनको किसमें कर दिया कॉलम में कर दिया। अच्छा इस प्रकार बना मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाए। ठीक, तो बात सभी के इतनी समझ में आ रही होगी भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। देखिए इसी में अब हमें आगे जरा पढ़ लेना है, देखिए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने पढ़ा है इसी को आगे हम पढ़ेंगे आगे के, इसमें हमें जरा पढ़ लेना है सममेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह और स्क्यू सममेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह। तो सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होगा जरा इस बारे में भी समझ लेंगे सभी लोग, देखिएगा भाई।
तो ट्रांसपोज वाली बात भाई सभी के समझ में आ गई होगी। बस हमें क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में ले आना है, स्तंभ को पंक्ति में ले जाना है, बस यही काम कर लेंगे, क्या बन जाएगा हमारा जो है परिवर्तावयव बन जाएगा। तो अब हमें बात करनी थी किसकी, आलू के जो परिवर्तावयव हमने पढ़ा है, परिवर्तावयव के गुणधर्म के बारे में बात करनी है। परिवर्तावयव के गुणधर्म के बारे में बात करनी है, परिवर्तावयव के गुणधर्म। तो देखिए भाई, परिवर्तावयव के गुणधर्म में हमने बताया कि हमें पढ़ना क्या है भाई, सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के बारे में हमें पढ़ना है भाई। देखिएगा, सम्मित अवयव जिसको हम लोग कह देते हैं, क्या हमने बताया था भाई, क्या सममैट्रिक मैट्रिक्स, क्या हमने बताया था सममैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक जरा देखेंगे भाई, और इसके बाद दूसरा हमें पढ़ना है क्या भाई, विषम सम्मित अवयव, जिसको बताया गया था क्या इक्विल सममैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक भाई देख लेंगे भाई, ठीक। तो अब जरा देखेंगे भाई, ये हमारा जो सम्मित अवयव हमने बताया और विषम सम्मित अवयव बताया, ये क्या बताया जरा इसकी बारे में बात सुन लेंगे आकर के। देखिए कहेंगे सम्मित अवयव में हम लोग क्या कहेंगे आकर के, कि जो सम्मित अवयव होगा, जो सम्मित अवयव होगा ये परिवर्त अवयव का ही गुणधर्म है। तो इसका मतलब कि हमें परिवर्त का तो यूज करना ही है भाई, परिवर्त का यूज करना ही है। तो क्या कहेंगे, यदि हम क्या करते हैं किसी भी अवयव का, यदि किसी भी अवयव का परिवर्त निकालते हैं और परिवर्त निकालने के बाद, अवयव का परिवर्त निकालने के बाद भी हमें वही अवयव प्राप्त होता है जिसका हम परिवर्त निकाल रहे थे, क्या बोला है बस फिर से समझ लेंगे भाई। हमने कहा कि यदि हमने किसी अवयव का परिवर्त निकाला तो हमें वही प्राप्त हुआ क्या, जिसका हम लोग क्या निकाल रहे थे, परिवर्त निकाल रहे थे। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस अवयव को हम लोग क्या कहेंगे, सममित अवयव कहेंगे। यानी क्या, यदि किसी भी अवयव का हमने परिवर्त निकाला और वो उसी के बराबर आ जाता है तो फिर हम क्या कह देंगे आकर के, कि इस प्रकार का जो अवयव होगा क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। इस प्रकार का अवयव क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा, ठीक। तो इतनी बात भाई सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब हम जरा बात करते हैं, मान लिया इसके एक एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, इसका एग्जाम्पल देते हैं भाई सममित अवयव का, सममित अवयव का एक एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। मान लिया कि हमने कोई देखे इकाई अवयव लिखा हुआ था 1001, ठीक। अगर हमें इसका क्या करना पड़े, परिवर्त निकालना पड़े, मान लिया ये जो अवयव था हमारा ए के बराबर था और यहां से हम एडाइस निकाल रहे हैं, तो देखिए परिवर्त के लिए अभी बताया गया था कि पंक्ति को स्तंभ में ले जाया जाए, तो ये पंक्ति थी 10 हमने स्तंभ कर दिया, ये पंक्ति थी 01 हमने स्तंभ कर दिया। क्या देखिए वही लिखा हुआ है, हाँ वही लिखा हुआ 1001 1001, कोई भी परिवर्तन नहीं आया। क्या देखा हमने कि जो एडाइस निकाला वो एक ही बराबर आ गया, तो किस प्रकार का जो अवयव कहलाएगा हमारा, वो क्या होगा, सममित अवयव कहलाएगा, ठीक। इतनी बात भाई सभी लोगों के समझ आ गई होगी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं विषम सममित अवयव की ओर, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, विषम सममित अवयव की ओर बढ़ रहे हैं भाई। देखिएगा भाई विषम सममित अवयव क्या होता है, तो अब जरा इसकी भी बात समझ लीजिए, पहले बहुत ध्यान से बात समझेंगे सभी लोग विषम सममित अवयव की।
देखिए क्या कहेंगे, यदि किसी भी आव्यूह विषम सममित आव्यूह की पहले बात करेंगे हम, कहा यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए, यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए तो परिवर्त निकालने पर वही आव्यूह मिले जिसका हम परिवर्त निकाल रहे थे, परंतु क्या हो जाए कि उस आव्यूह के अंदर जो अवयव लिखे हुए थे, जो धनात्मक अवयव था वो ऋणात्मक हो जाए, जो ऋणात्मक अवयव था वो धनात्मक हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आव्यूह धनात्मक लिखा हुआ था तो ऋणात्मक हो जाए, यदि आव्यूह धनात्मक लिखा हुआ था तो क्या वो ऋणात्मक हो जाए। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। यानी क्या, यदि हमने किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकाला वही आव्यूह मिला, परंतु क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। आव्यूह तुम्हारा ए चल रहा था, आव्यूह ए था, हमने उसका जब परिवर्त निकाला तो मिला वही, लेकिन क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे भाई, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। ठीक, अब अगर ये बात आप समझ गए होंगे तो अब हम जरा चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। फिर जो क्वेश्चन आएंगे सममित मैट्रिक्स की और इसकी सममित्रिक मैट्रिक्स के या ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आने हैं उन्हें हम सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ तक की बात सभी लोगों के सामने आ गई होगी। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 देखिए भाई, एक्सरसाइज 3.4 देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रम निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। परिवर्त बोले तो अभी बताया गया था क्या, पंक्ति को स्तंभ में ले आना और स्तंभ को पंक्ति में कर लेना। देखिए जरा हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे, परिवर्त का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 1/2 कॉलम में लिखे हुए हैं 5 1/2 माइनस का 1, ठीक ये लिखे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 1 2 कॉलम में है 1 2 माइनस 1 3, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा -1√3 2 -1√3 2 और 5 5 3 5 5 3। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम लिखा हुआ 6 6 माइनस का 1 6 6 माइनस का 1, ठीक ये लिखे हुए। इनका हमें क्या निकालना था, ट्रांसपोज निकालना था। इन सबका हमें क्या निकालना था, ट्रांसपोज निकालना था, परिवर्त आव्यूह निकालना था। तो देखिए भाई इन आव्यूहों का परिवर्त कैसे करेंगे, अभी बताया गया था कि जो कॉलम है उसे रो बना दीजिए, जो रो है उसे क्या कर दीजिए, कॉलम बना दीजिए। तो हमने क्या किया, ये हमारा देखिए कोई आव्यूह लिखा हुआ था जिसमें एक क्या था, कॉलम था, इस कॉलम को हमने किसमें कर दिया, रो में पहुंचा दिया। देखेंगे जरा भाई, देखिए 5 1/2 माइनस का 1 आ जाए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा जो कॉलम था उसको हमने किसमें कर दिया, रो में कर दिया, आव्यूह का परिवर्त पता चल गया। अब देखेंगे भाई दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से कर लेंगे, अगर के कॉलम को रो बना दीजिए, रो को कॉलम आप अपने आप से बन जाएगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हम कर लेते हैं, इसका हम परिवर्त निकालते हैं, तो -1√3 2 कॉलम में लिखे हुए थे, हमने किसमें पहुंचा दिया, रो में पहुंचा दिया। इससे सरल बताओ क्या हो सकता है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो लिखा हुआ है उसको लिखते रहिए। देखिए 5 5 3 किसमें थे, कॉलम में, हमने किसमें कर दिया, रो में। ये था हमारा तीसरा कॉलम, इसको तीसरी रो बना देंगे, कितना हो गया 6 6 माइनस का 1, बस यही हमारा क्या पता चल गया भाई, इसका क्या हो गया, परिवर्त हो गया।
ये क्या हो गया, आवयव का परिवर्तन हो गया। इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ रही होगी संभवतः। देखिए अब हम जरा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, यदि a इक्वल टू -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 -1 3 9 +1 +1 ठीक। इसके बाद b इक्वल टू लिखा हुआ है, b इक्वल टू लिखा हुआ है -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 ठीक। अब अच्छा भाई करना क्या करे, तो सत्यापित कीजिए, क्या सत्यापित कीजिए, करा सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश, ठीक, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अच्छा ये तो पहला पार्ट में करना है, दूसरा एक और हमें सत्यापित करना है, क्या a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस का b डैश। और ये कैसे आता है, ये हमने कहा था कि देखिए ये जो हमें लिखा हुआ a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश या प्लस वाला जो लिखा हुआ है, ये हमने कहां से आया था ये भी एक बार बताया था, या फिर पिछली बार हम बता चुके हैं, ठीक। अच्छा आगे देखेंगे भाई, आगे देखेगा तो हमें ये बात यहाँ पर साल्व करनी है, तो दोनों में से कोई भी एक साल्व कर लीजिए भाई, दोनों में से कोई भी एक साल्व कर लीजिए। चलिए हम दूसरा साल्व कर देते हैं, माइनस वाला साल्व कर देते हैं। तो पहले देखिए इधर एलएचएस वाला हम करेंगे, एलएचएस वाला, एलएचएस में क्या लिखा हुआ ए माइनस बी का डैश। तो पहले तो हम क्या निकाल लें, ए माइनस बी निकाले पहले, चलिए भाई ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी, तो ए हमारा लिखा हुआ था 1 5 -2 -1 5 और 2 7 1 3 9 1 ठीक, और माइनस बी वाला लिखा हुआ है, बी वाला लिखा हुआ है भाई, बी वाला लिखा हुआ है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 ठीक। इन दोनों को पहले में क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए कर लिया माइनस। इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई, हमने बताया था, देखिए पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं आपको कि जब हमें माइनस करना है तो दोनों को माइनस वही वही अवयव, किसका पहली पंक्ति का पहला अवयव माइनस, इसमें से माइनस करेंगे इसकी पहली पंक्ति का पहला अवयव, इसके दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से इसके भी दूसरे पंक्ति के दूसरे अवयव को माइनस करेंगे आगे के। तो यही काम हमें करना है, सिंपल है यार, देख लीजिएगा भाई, ये माइनस का वन, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का 4 -1 तो 3 हो जाएगा, 2 -1 1 3 + 5 8 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 -1 0 तो ये क्या आ गया हमारा a माइनस बी आ गया, ये क्या आ गया हमारा a माइनस बी आ गया। अच्छा अब हमें इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है, तो चलिए भाई हमने डैश निकाल दिया, a माइनस बी का होल डैश निकाल दिया। डैश के लिए अभी बात आपको बताई गई थी क्या, कि पंक्ति को स्तंभ में कर दीजिए, स्तंभ को पंक्ति में कर दीजिए, बस यही था ना, तो कर दीजिए यार, कितना सिंपल है भाई। देखिए पंक्ति को स्तंभ में कर देंगे, स्तंभ को पंक्ति में कर देंगे भाई, देखिएगा जरा लिखा हुआ था 3 3 1 8 किसमें थे हमारे, 3 1 8 रो में थे, कॉलम में कर लीजिए 3 1 8 पहले हमने 3 1 8 इसके बाद 4 5 9 4 5 9 इसके बाद -3 -2 0 -3 -2 0 पहुंचा दिया हमने इनको कॉलम में। अब हम ये तो हमारा एलएचएस साल होकर के आ गया a माइनस बी का होल डैश, अब हमें और भी क्या देखना है यहाँ पर भाई, a डैश और माइनस का b डैश।
तो चलिए जरा देखते हैं भाई, यहाँ से आ रहे थे, जरा देखिए जगह कम है तो हम ऐसे ही लेते हैं यहीं पर। तो पहले हम ए डैश यहाँ पर लिख दिया करके, यहाँ पर हमने क्या लिखा, ए डैश लिखा भाई, ए डैश, ए ये चल रहा था हमारा, ए ये चल रहा था, इसका हमें क्या करना है भाई, डैश निकालना है, इसका क्या करना था हमें डैश निकालना था, कहिए चलिए डैश निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ये ए डैश हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या हमारा ए डैश है, -1, -5, -2, -1, -5, -2, 2, 7, 1, 2, 7, 1, 3, 9, 1, 3, 9, 1, चलिए माइनस बी डैश, तो बी वाला भी वही यहीं पर हम लिख लेंगे आकर के, बी वाला भी हमने यहीं पर लिख दिया, देखिएगा जरा -4, 1, -5, -4, 1, -5, 1, 2, 0, रो में है कॉलम में कह दे रहे भाई, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 1, 3, 1, इतना हो गया भाई, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। चलिए जब ये सिंपल था तो इन दोनों को भाई मिक्स करके जरा देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, क्या यही आ जाता है, चलिए हमने किया माइनस, इससे ये हमारा एच एस का इससे भी कोई लेना देना नहीं, आर एच एस वाला हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए आर एच एस वाला हमने दिया, देखते हैं भाई क्या आता है, -1 + 4, -1 + 4 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जरा यहीं से देखते रहेंगे, 5 - 1, 4 आ जाएगा, -2 - 1, -3 आ जाएगा, 2 - 1, 1 आ जाएगा, 7 - 2, 5 आ जाएगा, 1 - 3, 2 - 2 आ जाएगा, 3 - + 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 - 0, 9 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 0। क्या देखिए दोनों एक ही है, हाँ आ गए कि a माइनस बी का होल डैश जो था वो किसके बराबर आ गया, a डैश माइनस b डैश के बराबर आ गया है। तो देखा हमने क्या ये दोनों प्रूव करना था, सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया है। अच्छा यही इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सत्यापित करना अपने आप से, आप लोग कहिए अगर ना हो पाए तो हमें बताइए, बाकी आगे के और भी जो क्वेश्चन है सत्यापित करने वाले क्वेश्चन है इनको करके देखिएगा, ठीक, अगर हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे और आगे आप लोग अपनी पढ़ाई से प्रकार जारी रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।